मेरे बाबा थे उनसे पहले परबाबा थे। बिल्कुल। समस्या आज हो रही तो सवाल पापा से करेंगे या बाबा परबाबा से पूछेंगे? हर बात में नेहरू दोषी हैं, वो दोषी हैं। कोई कौन है कि अपने जो बच्चे का नाम हो, चाहे कि राहुल जैसा बने, हाथ उठा दे मेरे सामने कि हाँ वो मेरा बच्चा राहुल जैसा बने। मैं कहता हूँ क्यों नहीं कहता? क्यों? मतलब एक चीज बताओ, नहीं वो अनपढ़ खबर है। एक मिनट भाई, उनके उनके संस्कार सर, जवाब इनका संस्कार, जवाब तो सुनिए, उसकी दादी ने शहीदी दी, संस्कार नहीं थे। उसके बाप ने शहीदी ली गई, नहीं शहीदी किसके लिए, किसके लिए दी है? जवाब दो, किसके लिए दी है? नहीं देश के लिए, वो अपने बेटे के लिए मरी है, वो देश के लिए मरी है। अब गरीब तो मर रहा है, विकास हो रहा है। जब चप्पल देखो पहन कर चढ़ रहे हैं जहाज में जा रहे हैं, चप्पल पहन के जा रहे हैं जहाज में। अरे कौन सी चप्पल और कौन सा जहाज? 5 रुपए वाला, उसमें बिठा दो मोदी को। इनकी पॉलिटिक्स खाली राजनीति है, पता क्या, वो धर्म की, उसके अलावा ना कुछ ना आवे। दूसरी चीज देखो, एजुकेशन सेक्टर का तो नाश कर रखा है बिल्कुल। इन्होंने क्या बोला था चुनाव से पहले, 2014 से पहले, कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसके बाद क्या हुआ उसका? जुमला साबित कर दिया कि जुमला वो तो ऐसा ही है, कुछ भी ना है। अरे तो बताओ, देश में समस्या थी तो 2014 से पहले इन्होंने जब बोला तभी तो वोट दिया। इनको लाए इसलिए नहीं था कि आप राहुल गांधी चाचा नेहरू को बोले जाओ। सरकार गई है वहाँ बिहार में, 10 लाख वोट लेने तो गए थे, जो आप डंडे पड़े हैं सबको वहाँ के। भाई एक बात बताना, मैं एक बात सीधा सिंपल सवाल करते हैं। मेरे बाबा थे उनसे पहले परबाबा थे। समस्या आज हो रही तो सवाल पापा से करेंगे या बाबा परबाबा से पूछेंगे? ये हर बात में नेहरू दोषी हैं, वो दोषी हैं, कुछ भी, ये सारे चीजें बोलते रहते हैं। यही तो बात है, लोग ये भी कहते हैं मुद्दा नहीं इसलिए नेहरू जी। बिहार में इनके लिए मुद्दा है ही क्या? वो जो कहते ना, इनको 5-6 शब्द छोड़ दो इन पे, एक तो और वो धर्म छोड़ दो, पाकिस्तान छोड़ दो, है ना, इनके वाले अलावा जितने भी सारे शब्द हैं, इनकी पॉलिटिक्स छोड़ के बाकी कुछ बोलेंगे ही ना। मोदी जी आ जाएंगे 24 में फिर, ठीक है। और ऐसे लोग बोलते रहे कुछ नहीं हुआ ना, यूपी में हुआ, 300 यूनिट फ्री दे रहे थे, 500 यूनिट फ्री दे रहे थे, कितने वोट मिले बताओ ना। आपके ही नेता है आशीष सूद जो बांट रहे थे 2 किलो फ्री आटा दिल्ली में, क्या हुआ? फटका लगा ना यही। अरे तो हमारे थोड़े ये बीजेपी के ही तो थे, बीजेपी का कभी वोट शेयर कम नहीं हुआ है। यूपी में काहे योगी जी बांट रहे हैं 300 यूनिट फ्री? कहाँ बांट रहे हैं बताओ ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। यूपी के एजेंडे में खुद बोला है कि बिजली हम भी फ्री देंगे। अरे अभी जाके क्या हुआ गुजरात में, क्या बोले जाके गुजरात में, एक नकली स्कूल में बैठ गए जाके, और उसकी क्या हुई, थू हुई बाद में मीडिया में। किसी पार्टी में ही ना है, हम पार्टी की बात ही नहीं, हम तो तुम्हारी बात करें, हमने वोट तुम्हें दिया भाई। बीजेपी कह रहे गुजरात में पुल गिर गया तो उस पर भी सियासत करने लगे आप लोग, इनके हिसाब से वो भी कांग्रेस दोषी है, नेहरू जी का दोष है उसमें, इनका मतलब यही होता है। दोषी है बीजेपी, दोषी है तो कौन दोषी है? जो भी दोषी है उस पे कार्रवाई हो रही है। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, 4 दिन मीडिया में दिखाएगा कार्रवाई होगी, उसके बाद आज ऐसा ही बताओ, आप बताना किस पे कार्रवाई हो रही है जिस पे जो उसके दोषी है, जिस पे दोषी है, जिस जो दोषी है, जो दोषी है उस पे कार्रवाई हो रही है। यार मैं अब इतना, इतना इतना कितना कोई को नहीं पता होता मेरे भाई, 5 दिन तक न्यूज में रहता, छठे दिन से गायब हो जाता है। बताइए फिर 24 में कौन आएगा? जो मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूँ, जो व्यक्ति अच्छा, पता है यहाँ क्या होता है, देखो सबसे बड़े 2 राज्य हैं यूपी और बिहार, दोनों में लोग वोट देते हैं जातिगत देकर, और जाति आधार को मुद्दा बना रखा है धर्म को। वोट आप अपने एरिया का, जो भी लोकसभा का मेंबर आए वो एजुकेटेड हो, उसका क्राइम रिकॉर्ड देखो, उसे वोट दो भाई। पीएम उनमें से ही तो बनेगा, ये प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी है, लोकसभा का चुनाव है। तो पार्टी नहीं देखेंगे हम, तो ये देखेंगे हमारे जो लोकसभा सीट पे आ रहा वो कितना बंदा एजुकेटेड है, उसका क्राइम रिपोर्ट कैसी है। फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी पीएम बने या मोदी जी पीएम बने, कोई भी बने, इससे मतलब नहीं है हमें, ना केजरीवाल से मतलब, हमें मतलब है अपने लोकसभा सीट में कौन बेहतर है, उनमें से ही बनेगा पीएम। क्या लग रहा है भाई साहब 24 में क्या देख रहे हैं? देखिए इतनी बहसबाजी हो रही है, इसका कोई निचोड़ नहीं है, निचोड़ एक ही है, आएगा मोदी, ठीक हो गया। हम क्यों, आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, इनका भी करो, जा रहा है घर जाइए, चाय पिए, खा जाइए, सो जाएगा, आएगा मोदी। मोदी जी अमृत भी क्या है, मोदी जी अमृत भी क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनको अमृत का वरदान, कांग्रेस को हो गया था, कांग्रेस को भी यही सर। ये या तो ये 140 करोड़ जो जनसंख्या अनपढ़ गवार है, इसमें किसी के अंदर गट्स नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी मैं
निजी तौर पे कहना चाहूँ, कोई कौन है कि अपने जो बच्चे का नाम हो चाहे कि राहुल जैसा बने, हाथ उठा दे मेरे सामने कि हाँ वो मेरा बच्चा राहुल जैसा बने। मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ क्यों नहीं कहता, क्यों मतलब एक चीज बताओ, नहीं वो अनपढ़ खबर है। एक मिनट भाई, उनके संस्कार सर, जवाब इनका संस्कार, जवाब तो सुनिए, उसकी दादी ने शहीदी दी, संस्कार नहीं थे, उसके बाप ने शहीदी ली गई, नहीं शहीदी किसके लिए, किसके लिए दी है, जवाब दो किसके लिए दी है, नहीं देश के लिए, वो अपने बेटे के लिए मरी है, वो देश के लिए मरी है, उनका बाप मोदी बनने के लिए बहुत करना पड़ेगा सैक्रिफाइस, आप सैक्रिफाइस करोगे तो मोदी ऐसा है, ऐसा है, मैं ये क्या कहते हो, आप ये क्या कहते हो, नहीं आप यह जवाब क्यों देते हैं, नरेंद्र मोदी है 140 करोड़ आदमी है, इसमें कोई मंत्री बनने लायक नहीं है, हाँ तो आप ये बात आप, हाँ तो आप ये बात है, क्यों मुद्दा उठाते कि नरेंद्र मोदी बनेगा, क्यों नहीं, इसलिए मतलब और कोई चेहरा नहीं है, नहीं मैं बन सकता हूँ, मैं करता हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा उसके, क्या मैं क्यों कांग्रेस के खिलाफ, मैं अपने आप में लड़ूंगा, मैं इसलिए लड़ूंगा, मैं इसलिए लड़ूंगा, मुझे 55 साल से रोजगार नहीं मिला, मुझे रोजगार नहीं मिला, मैं इसलिए क्या कह रहे हैं, बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है, तभी तो मोदी मोदी होता है, अगर चेहरे तो और नाम क्यों नहीं आता, मोदी मोदी क्यों होता, इंदिरा गांधी ने कौन सी कुर्बानी दी है, मरी किस लिए थी, वो अपने आप को नहीं मार ली, बताइए आप, हाँ बताइए, जनरल अरोड़ा ने 1,00,000 फौजी पाकिस्तानी सरेंडर करवाया, अरेस्ट हुए, ठीक है, फिर वो भुट्टो जी आते हैं अपनी लड़की को लेके उनको छुड़वाने के लिए, हैं आप जीते हुए हो, आपने क्या किया, 1,00,000 फौजी छोड़ दिया, अपना एक आदमी नहीं छुड़वाया, जो हमारे फौजी शहीद हुए वो क्या पागल थे, नहीं पागल, मैं आपको भाई साहब जब जीत गए बॉर्डर पे तो जीत गए बिल्कुल, और टेबल पे हार गए, टेबल पे हार गए, क्यों हारे टेबल पे, टेबल पे क्यों हारे, क्या मतलब था टेबल पे हारने का, हमारी पॉलिसी ठीक नहीं थी, फॉरेन पॉलिसी सही नहीं थी बिल्कुल, आज देखो जब तक कांग्रेस थी तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की पे था, आज कांग्रेस नाम निशान साफ हो गया तो पाकिस्तान आप भिखारी बन गया, ये है मोदी, चैनल को क्यों नहीं भिखारी बनाते, चाइना से तो व्यापार हो रहा है भाई साहब, लाखों का, सुन तो लो यार, जवाब तो सुन लो, अब लड़ने आयो, जवाब तो, चाइना भाई साहब 60% बिजनेस, 60% बिजनेस चाइना का हमारे साथ है, आज अगर हम लोग उससे व्यापार तोड़ दे तो वो तो चाइना की जरूरत ही नहीं हमारी, आज 75 साल हो गए, कितना डिफेंस में कितना निर्यात आयात होता था बताओ ना, कितने रोजगार, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, आप उसमें बात कर रहे हैं मुद्दे में, नहीं नहीं बेरोजगार नहीं है, ये लोग जो खड़े बेरोजगार नहीं है, मुझे रोजगार दिलाओ, बेरोजगार है आप, कुछ रोजगार पोजगार नहीं है, भूखा मर रहा हूँ, परामटे न मिले खाने को क्या करें, और भूखा रोजगार भाई साहब कुछ भी नहीं है, रोजगार सब कह रहे हैं कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है, कुछ को रोजगार नहीं है, 200 रुपए के लिए तेल हो रहा है, चिकन बिरयानी खाना वहाँ पे बढ़ेगी बिरयानी पाकिस्तान में, यहाँ का हिंदुस्तान पाकिस्तान करवा दे, हाँ और क्या, मोदी जी ठीक नहीं कर रहे, कुछ भी ना कर रहा भाई साहब, कुछ भी महंगाई इतनी हो रही है, इन खड़ी है कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है तरक्की, अरे भाई जिसका पेट भर रहा हो तो कहवे गई, जिसका कुछ ना मजदूरी कर रहा है उसके दिल से पूछो।